विभाग अफसरों के साथ स्वतंत्र देव सिंह की बैठक, तो 100 दिन की कार्य योजना पर अफसरों के साथ चर्चा और अधूरी परियोजनाओं को पूरा करेंगे और प्राथमिकता के तौर पर उन योजनाओं पर पूरा फोकस रहेगा। वहीं सीएम के निर्देश के अनुसार काम किए जाएंगे। साफ तौर पर स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश रहेगा, एक कार्य योजना बना करके काम किया जाएगा और आने वाले पहले 100 दिनों का जो एजेंडा है उस पर पूरी तरीके से फोकस है। सीएम के निर्देश के अनुसार ही होंगे काम। तो सीएम के निर्देश के अनुसार काम होंगे। लगातार अब मंत्रियों के विभागों में जाने का सिलसिला भी जारी है। तो शपथ ग्रहण के बाद पदभार भी अब संभाल लिया है। पूजा अर्चना के बाद लगभग सभी मंत्रियों ने फिलहाल अपना कामकाज शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में सीएम के निर्देश के अनुसार काम करेंगे। स्वतंत्र देव सिंह ने साफ तौर पर कहा, अपने विभाग पहुंचे और वहां पर उन्होंने लोगों से मुलाकात भी की और साफ तौर पर सिंचाई विभाग के अफसरों के साथ जो बैठक की उनको पूरा अब आगे की अपनी योजना भी समझाई और किस तरीके से अब कार्य योजना के अनुसार काम करना है और पहले 100 दिन का जो लक्ष्य है वो निर्धारित कर दिया। तो स्वतंत्र देव सिंह ने की अहम बैठक और अधिकारियों के साथ की बैठक, सिंचाई विभाग के अफसरों के साथ ये बैठक की। तो सबसे बड़ी बात, जो अधूरी योजनाएं हैं, जो लंबित योजनाएं हैं, उनको कहीं ना कहीं पूरा करना। 100 दिन का लक्ष्य है। आज हम सब अधिकारीगण बैठे हैं इस विभाग के, इस लक्ष्य को कैसे पूरा करेंगे, लक्ष्य क्या होगा, कार्य योजना क्या होगी, उस पर हम सब चर्चा करेंगे और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा कैसे करेंगे। एक गांव गरीब किसान को इसका लाभ कैसे मिलेगा, उसको स्वच्छ पानी मिले, उसको उसके खेत को स्वच्छ पानी मिले और प्रत्येक किसान को लाभ हो, इसीलिए हम सब आप बैठने वाले हैं। आज बैठकर कार्य योजना बनाएंगे, उस योजना को जमीन पर उतारेंगे और इस लक्ष्य को हम सब प्राप्त करेंगे।